बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और मेरी दुआ आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा। मेरी इस दुआ के साथ आज के मज़ेदार व्लॉग का करते हैं आगाज़। और अभी जनाब शाम वैसे होने वाली है, सूरज जनाब इस साइड पर ग़ुरूब होने वाला है। तकरीबन कोई 15-20 मिनट तक जो है ना बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, अजानें हो जाएंगी मगरिब की। लेकिन मैं थोड़ा सा आया था, आज फ्री था, आज ट्यूशन नहीं था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ज़मीनों की तरफ चलते हैं, सब्ज़ी को देखेंगे, ठीक है। और सब्ज़ी को देखने से वैसे बंदा फ्रेश हो जाता है। मेरा ये पसंदीदा हॉबी है, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो बाहर खेतों की तरफ निकल आता हूँ। खूबसूरत माहौल, ठीक है, हर कोई किसान अपने कामों में लगे हुए हैं, देख के मज़ा आता है। तो मैं भी सैर करता हूँ, आपको भी दिखाते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, छोटी सी वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो सके और आप लोगों का सपोर्ट जो है मेरे साथ ऐसे बना रहेगा इंशाल्लाह। अभी जनाब इधर देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले ये देखें जी, ये देखें जी, ये धुआँ सा कहाँ से उठता है? जाहिर है जहाँ आग लगी है वहाँ से उठता है। तो ये देखें, ये भाई साहब जो है ना कचरा वगैरह ये ज़मीनें बनाई हैं, मेरे ख्याल इधर लहसुन लगाएंगे, है ना? क्या हाल है? ठीक, क्या हाल है जनाब जावेद भाई? ठीक ठाक, ठीक है। ये क्यों इतना धुआं लगाया हुआ? काश बना रहे हैं। अच्छा, ये इधर क्या लगाना है आपने इस ज़मीन में? इधर लहसुन, लहसुन, लहसुन बीजना है। सही। अच्छा, तो ये ज़मीन बनाई है, इसमें जो ये घास वगैरह निकला है खुश्क, उसको साइड पर इधर आग लगा रहे हैं। सही है, इससे मच्छर वच्छर भी भाग जाएंगे धुएं से। जमीन भी है जमात बढ़ दे पाए। अच्छा, आज जुम्मा है इसलिए। मेरा यार आया बता है। हाँ, वालेकुम सलाम। ये जी महबूब है, ये इसने घास मेरे ख्याल काटा है तो ये लेके जा रहे जानवर के लिए। हाँ, देख लो। चलो मैं जरा चाचे खलील को लेना पड़े। चाचा खलील उधर भैंसें चरा रहे हैं, उनके पास चलते हैं। वैसे शाम भी होने वाली है, लेकिन चलें कुछ जो है कैप्चर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा देर में हम कर लेते हैं। अभी वहाँ पे चल के फिर वीडियो बनाता हूँ। ये जी सामने ट्रेन जा रही है, शाम का टाइम है और सामने इस साइड पे आपको पिलाहट नज़र आ रही होगी, सूरज चूँकि ग़ुरूब हो रहा है इसलिए। हम पहुंच चुके हैं भैंसों वाली जगह पे जहाँ पे भैंसें चर रही हैं। यहाँ पे ये हमारे हमसाए हैं चाचा खलील, इनसे गपशप भी करेंगे, बड़ी अच्छी गपशप सुनाते हैं और आपको दिखाते हैं। भैंसें भी माशाल्लाह चर रही हैं यहाँ पे। अच्छा, भैंसों के बच्चे भी हैं जी, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? तक वला गोल किधर से आज तुसा सारे को जितने लुक दे वे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है वे, तबीयत से ठीक है। ये जी हमारे चाचा खलील हैं, ये अक्सर मेरी वीडियो में बेचारे आते ही रहते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाई इन्होंने कभी इनकार नहीं किया, वरना देहात के लोग जो है शर्माते हैं जब उनकी वीडियो बनाने लगे। क्यों चाचा सही? बिल्कुल। कितना कितना घिन गया वे? यही था ही बस, छोटे बाला को खीर पिले सो। बिल्कुल, अपने नसीब भी देता, आपा भी पेगिन सो। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा तो वैसे ही हक बढ़ दे, मेहनत करे ने भाई, अल्लाह का शुक्र है। सही भैया, सुनो मुल्क दे हालात क्या बड़े खड़े? मुल्क दे हालात चंगे हैं। अच्छा, हाँ, इंसान आपको आप अच्छा रखे तो मुल्क दे हालात अच्छा थी वे। सही सही कह रहे, वाला साहब को सदा मिलनी तो है। बिल्कुल भैया, अल्लाह दी रहमत है, शुक्र है। चलो माशाल्लाह, देखो सही, ए ओदन जीओ जी आवाम ते ओ जे हुक्मरान है, ओ जी हुक्मरान से तो क्या करें। हां, अकेओ गिया ते बी आया, ओ बी आ गिया ते ओ बा आया,
ਵਲ ਹੁਣ ਕਿਥਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂ ਤਾਂ ਕਈ ਮਫਾਦ ਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਟਿਕਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਆਵਾਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਸਾ ਨਾਲ ਸੀ ਵੇ ਨੇ ਭਾਜਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦੂ ਲਾਤੀ ਵੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਸ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋ ਕੋ ਕਈ ਮਾਰ ਤੇ ਘਰ ਵਨ ਸੁੱਤਾ ਕਈ ਪੱਲੇ ਖਾ ਤੇ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਨੇ ਆਵਾਮ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਸਹੀ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਲ ਕਰੇ ਉਹ ਕੁੱਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ जी व्यूअर्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। शाम होने वाली है, अभी अजानें हो रही हैं, चलते हैं नमाज पढ़ते हैं। और आप जो है ना वीडियो पसंद ज़रूर कीजिएगा, सॉरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी के अंदर बात जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लग गया है। और जब तक नई वीडियो नहीं आती जुड़े रहना अपने चैनल के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे आपके साथ, तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।